तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बड़े होने चाहिए सबसे अच्छा राम राम लिख दो, क्योंकि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। खैर गाइस, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है अपनी टाटा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पे या फिर इलेक्ट्रिक ईवी पे। अब कई लोगों के मन में ये डाउट है कि भैया ये जो नई इलेक्ट्रिक ईवी लॉन्च होने वाली है, ये नेक्सॉन ईवी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। एंड मतलब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स है, बट फाइनली मैं आपको आज इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। मतलब टीजर जो है वो दो तीन दिन पहले ही आ चुका था, बट देन फिर वही बात है, मैंने नहीं वीडियो निकाली बिकॉज मुझे खुद को ही कंफर्म नहीं था। आज जितनी भी डिटेल्स आई हैं वो सारी आपके सामने आएंगी, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा एंड एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हाल ही में टाटा ने अपना एक ट्वीट निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था, एम्ब्रेस व्हाट लाइज बियॉन्ड द अननोन एंड डिस्कवर डिफरेंट, वॉच अ ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी कंसेप्ट ऑन 6/4 एट 12 PM। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि टाटा मोटर्स जो है वो अपनी एक एसयूवी लॉन्च कर रही है। बहुत से लोग इस डाउट में हैं कि गाड़ी जो है नेक्सॉन होगी या गाड़ी कौन सी होगी। कई लोग बोल रहे हैं कि नेक्सॉन का एक न्यू वर्जन आने वाला है, रीब्रांडेड वर्जन आने वाला है, बट मेरे 90% भाई गलत है। एंड यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोज आई शायद वो लोग भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे पाए। ये सब छोड़ते हैं, अभी उन लोगों ने एक अपना टीजर निकाला था एंड टीजर में आप लोगों को दिख रहा होगा गाड़ी भाई यहां से 100% कंफर्म हो जाती है, देखने में ही पता चल जाती है कौन सी गाड़ी है, बट फिर भी लोग जो है अंदाजा नहीं लगा पाए कि गाड़ी कौन सी लॉन्च होगी, क्या कुछ लॉन्च होने वाली है। यहां पे आप लोग देख सकते हो भाई गाड़ी जो है उसके कट्स दिखा रहे हैं और मतलब कंपनी जो है पूरा उसको फ्लॉन्ट कर रही है, बट नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज आने वाली है, प्रोडक्ट आने वाला है। एंड अभी जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में थोड़ी देर बाद, तो आप लोग भी सोचोगे भैया क्या टाटा को हो क्या चुका है, मतलब इतने दे धड़ाधड़ वो जबरदस्त प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो सीरियसली भाई टाटा मोटर्स इज डूइंग वेरी 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 गुड। ईवी की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल रही है, टाटा आपको दिख रहा होगा अलॉय व्हील पे लिखा हुआ भी है। तो कुल मिला के जो है ये टीजर था एंड इसी टीजर में डिस्कवर डिफरेंट 6 बजे जो हम लोग भी लाइव जाएंगे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, वो जो इवेंट होगा अपना। अब मैं दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी आ रही है इंडिया में। तो भैया आप लोगों को पता होगा टाटा सेरा ईवी बहुत दिन पहले जो है लगभग 2020 में कंपनी ने अपने उसमें ऑटो एक्सपो में जो है टीज करी थी एंड लोग भूल गए थे। कंपनी हमेशा इस गाड़ी को इतने प्रेम से चाहती है, इतने अच्छे से चाहती है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप लोग टीजर को मैच करेंगे इससे तो आपको दिखेगा हाँ भैया सेम ही है दोनों। जो मैंने आपको टीजर दिखाया था, अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन दिखाए थे, वो सब दिखाया था, उसके बाद 100% कन्फर्म हो जाता है कि टाटा सेरा की जो है एसयूवी लॉन्च होने वाली है ईवी इंडिया में। भैया गाड़ी जो है वो पहले सबसे पहले 1991 में लॉन्च हुई थी, 2003 तक चली, उसके बाद जो है बंद कर दिया। प्लेटफॉर्म जो था गाड़ी का टाटा X2 था, लेंथ 4400 mm के आसपास थी। इंजन की मैं बात करूं तो 2.0 लीटर का इसमें DLT TATC इनलाइन 4 इंजन जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता था। अब जो है भैया इतनी ज्यादा जबरदस्त ये ईवी में आने वाली है, क्योंकि कंपनी को अपना डीजल वीजल पेट्रोल वेट्रोल नहीं लॉन्च करना, ईवी की तरफ आना है। एंड टीज भी कर रहे हैं वो लोग, कंसेप्ट बहुत दिन पहले दिखाया था बट हम लोग भी भूल गए थे, बट कंपनी ने फिर से भी याद दिला दिया कि भैया कोई भी डीजल और पेट्रोल नहीं होगा सेरा में, सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग ईवी में निकालेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं क्या कुछ जो है इसमें। सबसे पहले तो आपको डीजल पिकअप वाला ट्रक वाला इंजन मिलता था, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं चली थी गाड़ी, बट अब की बार जो है पूरी की पूरी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होगा, ईवी से ही स्टार्ट होगा, कोई कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल इंजन नहीं मिलेगा आपको, सिग्मा प्लेटफॉर्म इसमें यूज होगा, ICE पावर ट्रेन इसमें रहने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये चीज भी है। स्पेशियस रहेगी बहुत ज्यादा नो डाउट, एंड सबसे बड़ी बात है कि 7 सीटर होगी, तो आप लोग लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा लग्जरियस है। इंटीरियर्स की तरफ भी चलेंगे, इंटीरियर्स में आप दिखाऊंगा तो आप कहोगे भैया क्या मतलब एक इलेक्ट्रिक एसयूवी का ऐसा इंटीरियर, 4x4 हर एक चीज जैसी जो है इसमें आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। मतलब कुल मिला के भैया बहुत ही ज्यादा इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है कंपनी का ये, एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं रखा जाएगा, आप लोग सोच रहे हो भाई प्राइस ईवी के तौर पे बहुत ज्यादा होगा इसका, तो प्राइस भी जो है बहुत ही ज्यादा मिनिमल सा रखा जाएगा। एंड ईवी में तहलका मचाने वाली, ये बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स जो है बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अब चलते हैं भैया इंटीरियर की तरफ, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कंपनी जो टीज करने लग रही है, एंड देख सकते हो जैसी खुली एंड उसके बाद जो है सीट्स अपने भाई स्लाइड टू ओपन, ऐसे फीचर्स जो आपको मिलने वाले, मतलब चलती फिरती रोल्स रॉयल जैसी लगने लग रही है। मतलब जब से इन लोगों ने
लैंड रोवर और JLR को अक्वायर करा है, तो भैया उनसे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है अपनी कम गाड़ियों में भी ये लोग लगाने लग गए हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि रतन टाटा जी का धन्यवाद कि भैया जो महंगे महंगे शौक थे लोगों के, आप लोगों को बहुत कम में पूरा करते हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो टीज करा गया था उसी से यहाँ से पूरा का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई गाड़ी यही है, इसमें कन्फ्यूज होने की दिक्कत वाली है बात ही नहीं है इसमें। अब चलते हैं हम लोग एक बार इंटीरियर्स की अच्छी तरह से इमेज से, और वो पूरा फाइनल प्रोडक्ट, ये तो टीज़र था और बहुत दिन पहले का टीज़र था, अब चलते हैं हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की तरफ कि भैया गाड़ी कैसी लगेगी। कंसेप्ट से मैंने देखा है कि टाटा के जो भी कंसेप्ट निकालते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके प्रोडक्ट्स में, कंसेप्ट जैसी ही लगती है। बट यहाँ पे भैया मेरा तो दिल आ गया सच्ची में, और अगर ये गाड़ी आ जाती है 14 से 15 लाख के आसपास के बीच में, एक्सपेक्टेड ये लगाया जा रहा है, मैं वापस बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड प्राइस और एक जो प्राइस लॉन्च होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक्सपेक्टेड प्राइस ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है 14 से 15 लाख के आसपास लॉन्च होगी। इसकी जो रेंज आप लोगों को मिलेगी 440 किलोमीटर के आसपास जो है आपको रेंज मिलने वाली है गाड़ी की, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा रेंज है फॉर अ बिग साइज SUV भाई, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये जो रेंज है बहुत परफेक्ट है, नो डाउट, वापस मैं बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद और कुछ स्पेसिफिकेशंस के आपको बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो भैया गाड़ी जो है 6 अप्रैल को टीज करी जाएगी या फिर उसका कंसेप्ट जो है दिखाया जाएगा। LED डे टाइम जो है इसमें आपको मिलने वाले हैं, साइड ORVM मिलने वाले हैं, हेडलाइट जो है आपको सेम ट्रायंगल शेप केसिंग में मिलने वाली है, ग्रे मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, EV लोगोस हैं पूरी की पूरी गाड़ी पे। एंड उसी के बाद मैं आपको बताऊं कि गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 50 mm से तक जो है बढ़ाया जाएगा, और 4.3 meters लॉन्ग जो है गाड़ी आपको यहाँ पे आसपास देखने को मिलने वाली है। 40 kW की जो है बैटरी पैक रखा जाएगा जिसकी 400 km रेंज रहेगी, और टाटा कूपे SUV ये सारी पहले भी टीज करी गई थी बट ये जो है सेरा SUV ही है 101%। एंड ऑलमोस्ट जो लुक्स हैं मैंने आपको सारे के सारे गाड़ी के दिखाई दिए। तो भैया कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, देखिए यार इंडियन कंपनीज जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं भैया कितना कमाल कर रहे हैं, मतलब धोती फाड़ के रुमाल कर रहे हैं सीरियसली। तो नीचे भाई एक बार जय हो टाटा भी लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत ही आलीशान इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अब की बार, नो डाउट। यार देखो कुछ लोग बोलते हैं मैं टाटा हेट करता हूँ, बट भाई हेट की बात नहीं है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। एंड ये प्रोडक्ट जैसे इंडिया में आएगा रेवोल्यूशन लेके आएगा, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है नो डाउट। यहाँ पे सिर्फ टाटा ही नहीं, अपनी महिंद्रा भी पीछे नहीं है, महिंद्रा ने भी 3 गाड़ियों के टीजर निकाले हैं, महिंद्रा एडवांस डिजाइन स्टूडियो UK, देख सकते हो क्या जबरदस्त टीजर है। इसमें जो आपको 3 गाड़ियां दिखने वाली हैं, बेसिकली ये लगाया तो ये जा रहा है कि ये सबसे छोटी जो 300 है, उसके बाद जो है 700 है, फिर उसके बाद एक XUV 900 है, एंड तीनों के डिजाइन आपको दिख रहे होंगे पीछे से। तो भाई इंडियन कंपनीज जो है ना तहलका मचा रही है, और दूसरी जर्मन या जितनी भी कंपनीज है उनको भाई दांतों तले अपने जो बोलते हैं ना उंगली चबाना या चने चबाना जो भी हुए वो सब करना पड़ेगा। तो भाई ये है जुलाई 2022 में निकालेंगे, एंड कल जो है आपको एक और अपनी टाटा का भी जो इवेंट देखने को मिल जाएगा। वेल गाइस, जैसे कि आपने देखा टाटा इलेक्ट्रिक SUV के बारे में, तो भैया गाड़ी जो है फटाफट लॉन्च होने वाली है। एंड मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि महिंद्रा का इवेंट आप लोगों को पता है थोड़े दिन पहले हुआ था, उन लोगों ने टीजर निकाले थे एक दो, और अब टाटा और महिंद्रा में गेम चल रहा है कि इलेक्ट्रिक SUV कौन सबसे पहले निकालेगा या सबसे पहले कौन ऐसी गाड़ी निकालेगा। तो उसी चक्कर में जो है टाटा ने फटाफट अपनी लेसेस बांधी और फाइनली वो इस रेस में आ चुके हैं जिसमें वो लोग मतलब अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले टाटा नेक्सॉन आई थी, फिर टाटा टिगोर आई थी, जितनी भी EVs आई हमने देखी हैं, बट SUV की एक कहीं ना कहीं कमी थी। और महिंद्रा के थोड़े दिन पहले हमने टीजर देखे थे जिसमें 3 अलग अलग दिखाई थी गाड़ियाँ, तो अब फाइनली टाटा ने भी एक टीजर निकाल दिया कि भैया हम भी कहीं पीछे नहीं है, हम भी रेस में हैं। तो लेट्स सी अच्छा हमारे लिए कि दोनों इंडियन ब्रांड्स जो हैं फुल वर्क कर रही हैं, फुल अच्छे से काम कर रही हैं, तो जैसा भी होगा जो भी होगा हमें दिखेगा। खैर गाइस, आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा, एंड आप लोग कौन सी गाड़ी लेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा। टाटा या महिंद्रा कौन से बीच में ऑप्शन है, तो दोनों इंडिया की गाड़ी बट देन फिर ऑप्शन इतने अवेलेबल है तो ये हमारे लिए अच्छे। खैर भाई लोग आज के इतना ही था, उम्मीद करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मिलेंगे, बाय और धन्यवाद।